वेलकम साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। देखिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ एसआई के लिए 2 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 2 दिसंबर को है, वह अपनी सभी तैयारियां आज ही करके रख लें। परीक्षा केंद्र में क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है? जी हाँ दोस्तों, बातें छोटी हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि एएलपी की तरह आप भी एग्ज़ाम सेंटर से वापस लौट के आना पड़े। फोटो कितनी लेकर जाना है, आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या भरना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। क्लास को पूरा वॉच कर लीजिए, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन यहाँ नहीं रहेगा और आप सभी कुछ अच्छे तरीके से एग्जाम दे करके आएंगे। तो आइए समझते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें जो आपको एग्जाम में लेकर जाना है, एडमिट कार्ड। ये तो आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड के बिना आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। देखिए, एडमिट कार्ड आप जो है कलरफुल भी लेकर के जा सकते हैं एंड ब्लैक एंड वाइट भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना माने आप तो आपको कलरफुल एडमिट कार्ड लेकर के जाना, क्योंकि क्या होता है ब्लैक एंड वाइट में कभी कभी फोटो स्पष्ट नहीं दिखता है, सिग्नेचर स्पष्ट नहीं शो होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इससे अच्छा मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है कलरफुल आधार जो अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रिंट करा लें और वही लेकर के जाएं, ठीक है। इससे आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि रेलवे छोटी छोटी गलतियों से एग्जाम से वंचित कर देता है। आप शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं जिस तरीके से एएलपी वाले अभ्यर्थियों के साथ हुआ। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने एएलपी का एग्ज़ाम देने से वो रह गए होंगे और वो आरपीएफ एसआई में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कोई भी गलती मत करना डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि आपको एग्ज़ाम से वंचित होना पड़े। तो बात क्लियर है, एक नंबर पर आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, वो भी कलरफुल एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। इसके बाद साथियों, आपको एडमिट कार्ड में ये कैंची का निशान दिखाई देगा। यहाँ पर अभ्यर्थी बहुत गलती कर देते हैं, कमेंट कर रहे थे कि सर क्या क्या भरना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, एडमिट कार्ड प्रिंट करवाने के बाद सिर्फ यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चस्पा करना है। जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय फ़ोटो सबमिट किया था, वही फ़ोटो आपको यहाँ चस्पा करना होगा। इसको आप घर से ही चस्पा करके ले जाइए। और बाकी जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये आपको यहाँ पर नहीं करनी है। जब एग्ज़ाम सेंटर में आपके जो इनविजिलेटर होंगे, वही आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा और उसमें से यहाँ पर लाइन आपको लिखनी होंगी। तो घर से आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आधार कार्ड को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद सिर्फ यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चस्पा करना है और अपना एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। क्लियर, कुछ भी साइन, सिग्नेचर, अंगूठा, थंबलिन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। जो भी होगा एग्ज़ाम सेंटर में आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से। तो ज़्यादा होशियारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो यहाँ पर चस्पा कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम सेंटर में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखिए साथियों, आईडी प्रूफ जो है आपको 2 आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। रेलवे ने एडमिट कार्ड में जारी कर दिया है स्पष्ट तरीके से कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आईडी प्रूफ में आपको 2 आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। नंबर एक की जो बात करें, आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड आपको अनिवार्य है, पहले भी आरपीएफ हो या कॉन्स्टेबल हो, ऐसा ही हो, एग्जाम रेलवे का कोई भी हो, लेकिन उसमें आधार कार्ड के बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है और यहाँ पर आपको जो है पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं या अपना जो आयकर विभाग होता है उसका आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हैं, यानी कि जिसको हम पैन कार्ड कहते हैं, ठीक है, पैन कार्ड लेकर के जा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी आईडी लेकर के जाएंगे वो आप जो ओरिजिनल आईडी लेकर जाएंगे, ये नहीं कि पास उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर के जाएँ। तो फ़ोटो कॉपी किसी भी तरीके से अनिवार्य नहीं रहेगी, आपको जो फ़ोटो आईडी प्रूफ लेकर के जाना है वो ओरिजिनल और स्पष्ट लेकर के जाना है, ठीक है। ये नहीं है कि उसकी फ़ोटो स्टेट ले जाएं और एग्ज़ाम हो जाएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं होगा, भगा दिए जाओगे वहाँ से, ठीक है, फिर रोते रहना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे आईडी प्रूफ वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तो आप एक आधार कार्ड ले जाइए, अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट ले जाइए, या फिर आपके पास पैन कार्ड हो पैन कार्ड ले जाइए, ठीक है। ओके, इतनी बात आप यहाँ समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, स्टूडेंट पूछ रहे थे पेन, तो देखिए रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आपको पेन लेकर के नहीं जाना है, ख़ास तौर से आरपीएफ एसआई में स्पष्ट तरीके से मना कर दिया है कि आपको पेन लेकर के नहीं जाना है। पेन आपको वहीं दिया जाएगा और वहीं आपसे सबमिट करा लिया जाएगा, जब एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप पेन भी वहीं जमा करके आएंगे, ठीक है। तो पेन लेकर के नहीं जाना है, समझ लीजिए, पेन लेकर के जाओगे तो बाहर ही छीन लिया जाएगा। इससे अच्छा है कि पेन लेकर ही नहीं जाना है, लेकर जाओ तो अपने बैग में रख देना, मैं बताऊंगा बैग का क्या करना है। लेकिन एग्जाम सेंटर में जब आप अंदर जाएंगे आप, तब आप पेन लेकर के एंट्री आपकी नहीं की जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे पानी की बोतल। तो दोस्तों, पानी की बोतल आप लेकर के जा सकते हैं और आप जो पारदर्शी बोतल लेकर के जाएंगे, जिसमें कि अंदर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दें, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, यानी कि जो भी अगर उसके अंदर वाटर है वो स्पष्ट तरीके से दिखना चाहिए,
कोई भी ऐसा बॉटल नहीं होनी चाहिए कि उसमें स्पष्ट तरीके से चीज़ें ना दिखें। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है इस तरीके की बॉटल आप लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि इसका अंदर का वाटर होगा वो स्पष्ट तरीके से इनविजिलेटर को, जो आपके अध्यापक होंगे टीचर्स होंगे वो इस तरीके की बोतल मान्य रखेंगे। लेकिन अगर आप कलरफुल बोतल या कुछ लिखा हुआ होगा या फिर चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसके अंदर की, तब आपको उस बोतल के लिए भी एंट्री नहीं दी जाएगी। आप सब जो बोतल है बाहर ही जमा कर ली जाएगी और आप अंदर पानी की बोतल लेकर के नहीं जाएंगे। आप पारदर्शी पानी की बोतल लेकर के जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ आ गई होगी किस तरीके की बोतल आपको लेकर जानी है। अब देखिए साथियों, मैं छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ड्रेस कोड में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, क्या पहन कर जाना है। देखिए बेल्ट लगाकर ना जाएं, देखिए जो वॉइस होते हैं वो बेल्ट लगाकर जाते हैं, तो देखिए बेल्ट लगाकर ना जाएं, ऐसे कपड़े पहन के जाएं, ऐसी पैंट पहन कर जाएं जो बेल्ट के बिना रुक जाए, ठीक है। क्योंकि मेरी पैंट तो रुकती नहीं बिना बेल्ट के, तो इसलिए मैं लोवर पहन करके जाता हूं। कोई भी एग्जाम देने के लिए जाता था और अब भी जाता हूं भविष्य में, तो लोवर पहन कर जा सकता हूं। तो आप भी ऐसे ही कपड़ा पहन करके जाएं जिसमें बेल्ट की आवश्यकता ही ना पड़े, इसलिए आपकी बेल्ट जो है पहले ही जमा कर ली जाएगी। जूते पहन करके ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको जूते पहन करके नहीं जाना है। अगर आप दूर से जा रहे हैं तो जूते पहन करके जाएं और चप्पल जो है स्लीपर जो है अपने बैग में रख कर लेकर जाएं। क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जूते निकाल करके बैग में रख देना और चप्पल यानी कि स्लीपर पहन करके आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, ओके। हाथ कान गले में मेटल की कोई भी वस्तु ना पहने। देखिए हाथ में जैसे कि वॉच पहन लेते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं पहनी, सिंपल वॉच पहन सकते हैं। कान में जो फीमेल कैंडिडेट रहती हैं वो पहनती हैं, गले में होता है पहनने के लिए, तो ये कोई भी चीज़ आपको नहीं पहननी है। परीक्षा केंद्र में देखिए बैग लेकर के नहीं जाना है। अब आप कहेंगे सर बैग का क्या करना है, देखिए बैग जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो बाहर कुछ दुकानें होती हैं, वहाँ पर कुछ रुपए लेकर के 10-20-50 रुपए लेकर के आपको बैग यहाँ सबमिट कर लिया जाता है, आपको एक टोकन दिया जाता है। तो वहाँ आप जुगाड़ कर लीजिए, या कोई आपका मिलने वाला हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो आपका एग्जाम सेंटर पास में हो, तो वहीं सबमिट करें। लेकिन परीक्षा केंद्र में आपको बैग लेकर के नहीं जाना है। मेहंदी नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, की शादियों का सीज़न चल रहा है, काफ़ी अभ्यर्थियों ने मेहंदी लगा रखी होगी या लगाने वाले होंगे, तो देखिए मेहंदी लगा करके आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग होगा। आपको पता ही है कि आधार कार्ड का बायोमेट्रिक होना है वहाँ, यानी कि फिंगरप्रिंटिंग होना है, तो इस कारण से आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आपको मेहंदी लगा करके नहीं जाना है। तो समझ सकते हैं आप जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको ध्यानपूर्वक कर लीजिए। आज अगर आपका कल एग्ज़ाम है 2 दिसंबर को है या किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम है 2 दिसंबर से, तो सभी में यही ड्रेस कोड्स मान्य रहेगा और ये सभी एग्ज़ाम में आपके नियम लागू होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करूँगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का फ़ोटो लेकर के जाना है या फिर और इससे भी सिंपल फ़ोटो लेकर के जाना है जो आपने लगाया है, और आपको 2 फोटो लेकर के जानी है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, ये मुझे पहले ही बताना था कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, सभी बातें आपकी समझ आ गई होंगी। परीक्षा केंद्र में क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जानी है, फोटो कितने लेकर के जाना है, आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या भरना है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। आपके सभी कमेंट को यहाँ पर पढ़ के आपके आंसर दिए जाएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।